जो मजलिस के दो एमएलए अंदर है उन्होंने एक बार तो भी पैगंबर बिल के ऊपर आवाज उठाई क्या? उन्होंने एक बार तो भी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सभागृह बंद कराया गया? एक आदमी बस होता है सभागृह बंद कराने के लिए, इनके तो दो दो थे। खुद तो पता चल गया है कि ए टीम बी टीम दूसरी कोई नहीं है, ये खुद इनके के पार्टी के लीडर जो है वो उनके पार्टी का सौदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। अर्दापुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान ने सैकड़ों की तादाद में वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। अर्दापुर में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से शमूलियत का प्रोग्राम रखा गया था। वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी प्रकाश अम्बेडकर और रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के कामों को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैकड़ों कारकुनान वंचित बहुजन आघाड़ी में फारूक अहमद की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल होने वालों में शेख अलीम दादा, सैयद अनवर, शेख बबलू, शेख सलीम, शेख नादिम, शेख इरफान, शेख परवेज, शेख शकील के अलावा सैकड़ों ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। 15 सालों से मजलिस में काम किया, उसका हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा था, पूरा साथ दिया, पूरा हर चीज से लोगों ने हमारा साथ दिया और लोगों ने हमें रिक्वेस्ट दे के कम से कम 2 से 3 सीट हमको दी, लेकिन हमने खूब मेहनत की लेकिन हमको उसका कुछ फल नहीं मिला। आज वंचित में जाने का एक कारण है कि वंचित बोले तो कैसा एक ऐसी मजबूत पार्टी है, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, हर समाज को लेकर चलने का काम कर रही है। तो मेरी एक बात समझ में आई, मैंने शाकिर भाई से, मैं शकील भाई से गुफ्तगू की कि शकील भाई बोले कि दादा अपने इतनी मेहनत की है और इतना अच्छा काम करे तो मगर अपना क्या फ़ायदा क्या है, हम लोग जज्बाती, हमको कोई पैसे का लालच नहीं है, कोई इसका सीट का लालच नहीं, कोई उम्मीदवारी का लालच नहीं था। आयुब भाई और फारूक साहब, हम जज्बाती लोग हैं, हम समाज के लिए काम करना, पिछड़ों के लिए काम करना, दलित के लिए काम करना, हर समाज के लिए अलीम दादा एक ऐसी चीज है, मतलब किसी को भी पूछ लो आप, आधी रात को मुझे कोई दो बजे एक बजे भी अगर फोन लगाता है तो मेरा फोन चालू रहता है, आधी रात को मैं इसके लिए पहुंचता हूं। और मुझे बड़ी तकलीफ हुई, यहां हमने काम करे, हमने सीट चुन के लेके आए, पब्लिक ने हमको वोट दी और कहते हैं कि फलाने साहब ने लाए, फलाने ने करे, हमके ने करे, अरे भाई पब्लिक ने वोट दी, पब्लिक तुम्हारे को भरोसा करके तुमको वोट दिया था, पब्लिक का तुमने विश्वासघात किया, आज एक के जगह 3 आए मगर ऐसा वो 3 भी 1 के बराबर नहीं दिख रहे मेरे को। इसलिए वंचित में हमारे को आना है, एमआईएम छोड़ने की वजह ये है कि आप लोगों सबको मालूम है, मैंने हर ईमानदारी से एमआईएम का काम करा था भाई, यहाँ हमने 3 सीट लाए और आखिरी में ये 16 में जो ये मेरा वार्ड है मेरा खुद का समझो, तो यहाँ पे जब मेरे को टिकट देने के बाद आए तो सब मेरा यहाँ से वार्ड का टिकट कट करके एक दूसरे नवे आदमी दे दिए। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, गोविंद अड़वी, अयूब खान, सुनील सोनसड़े, बंटी मोरे, वाजिद खान, रौफ लाला समेत दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस जिमन में वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और मजीद रोशनी डालते हुए कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया। देखिए, ये जो लोग मजलिस में गए थे या जो लोग अलग अलग रिपब्लिकन पार्टियों में गए थे, ये कांग्रेस से टूटे हुए लोग हैं, कांग्रेस से उकताए हुए लोग हैं, कांग्रेस के सताए हुए लोग हैं, इनको एक पर्याय विकल्प चाहिए, इसलिए उनको जो विकल्प मिला वहाँ चले गए। मुस्लिम्स के अंदर ज़्यादातर गए थे मजलिस में और हमारे SC ST के लोग रिपब्लिकन के अलग अलग गटों में गए, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि ये सब मिलके BJP के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, रिपब्लिकन के तमाम लीडर जो है BJP के साथ में मिले हुए हैं, तो अब रिपब्लिकन का जितना भी वोटर था वो वंचित की तरफ आ गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस देश का SC ST वोटर एक होकर महाराष्ट्र का वंचित के साथ खड़ा हुआ है और जितने भी मुस्लिम लोग कांग्रेस का एक विकल्प बोलकर वहाँ गए उनको लग नहीं रहा ना वहाँ कुछ हो पा रहा है, वहाँ पर उनकी पॉलिसियाँ जो है वो जिस मकसद से गए हक़ और इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मिल रहे। देखो, जब तक
कोई ताकतवर लीडरशिप सामने नहीं आती। और अलहमदिल्ला मुझे लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हर बार मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ में भी भूमिका ली है, ओबीसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो भी लिए, और गरीब मराठा के भी हक में भूमिका ली है। आज जब मुसलमानों के ताल्लुक से बड़े बड़े मामलात हो रहे हैं, मुसलमान खौफ ज़्यादा हुआ है तो ना तो कोई सामने आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती खुलेआम हो रही है, इनकी 2.5 साल सत्ता थी, इन्होंने कानून नहीं बनाया। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने रेडीमेड ड्राफ्ट बना के कपिल पाटिल के जरिए दिया उनको, कहा कि इसके ऊपर कानून लाओ, क्यों नहीं लाया इन्होंने? अगर वो ला लेते तो आज हमारे अकीदे की तो तहफ़ होता, आज हमारे अकीदे की धज्जा उड़ाने का काम पूरे मुल्क में हो रहा है। कम से कम महाराष्ट्र में तो कड़ा कानून बनाते, ये देखकर दिगर रियासतों को भी सबक मिलना, लेकिन नहीं बनाया कांग्रेस राष्ट्रवादी ने। और उसके लिए माफ़ कीजिए, जो मजलिस के 2 MLA अंदर है उन्होंने एक बार तो भी पैगंबर बिल के ऊपर आवाज़ उठाई गया, उन्होंने एक बार तो भी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सभागृह बंद कराया गया, एक आदमी बस होता है सभागृह बंद कराने के लिए, इनके तो दो थे। और अभी मुझे बताइए कि आज मुस्लिम नौजवानों की जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, ये पूरे देश को मालूम है, पूरे मुसलमानों को मालूम है कि कोई दहशतगर्दी वर्दी की मामला हुआ, वो संगठना को कोई पहचानते नहीं, और तो वो संगठना इतनी कोई आम फहम नहीं है, उसमें कोई आम मुसलमान जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन उसके ऊपर ये जो कार्रवाई के आड़ में मुस्लिम नौजवानों को तकलीफ़ हो रही, कौन सामने आ रहा है? नहीं आ रहे हैं ना। तो जब हमारे ऊपर तहफ़ का मामला आएगा और आप सामने नहीं आ रहे हो तो फिर लोगों को क़यादत कौन सी चाहिए? ताकतवर क़यादत चाहिए जो आपके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने का दम रखती है, बात करने का दम रखती है, सामने आने का दम रखती है। मुझे लगता है ये खाली अर्धापुर की आप मिसाल दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्धापुर की तो टीम साथ में आई है, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि अकेले मुसलमान हम जमहूरी सियासत में कुछ नहीं कर सकते, और जमहूरियत में सियासत में कोई भी एक समाज अकेले मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, अकेले SC कुछ नहीं कर सकते, और अकेले माइक्रो OBC। लेकिन अगर मुसलमान SC, ST, माइक्रो OBC अगर एक जगह आएंगे तो इस गली से लेकर दिल्ली तक अपनी हुकूमत ला सकते हैं। ये बात पता चलने से अर्धापुर ही नहीं, मुख्तलिफ तालुक़े के अंदर, मुख्तलिफ ज़िलात के अंदर, लातूर ज़िले के अंदर के कई तालुक़े के पूरी की पूरी कमेटी वंचित में, वहाँ के ज़िले के सदारत जिनको मिली थी वो सलीम भाई हमारे इधर आ गए वाले, और मुख्तलिफ औरंगाबाद के अंदर तो कई नगर सेवक भी कॉन्टैक्ट में हैं, वो लोग भी पूरी ताकत से आ रहे हैं। तो जो लोगों को हक़ और इंसाफ से काम करना है वो वंचित के साथ आ रहे हैं, जिनको इत्तेहाद की राजनीति करना है वो वंचित के साथ आ रहे हैं। तो अकेले मजलिस के नहीं, तो अलग अलग मुख्तलिफ पार्टी के भी लोग आ रहे हैं। मनसे के पूरी तालुका कमेटी हमारी उदगीर की वाहतुक सेना की वंचित में आई है, तो हर पार्टी के लोगों को अब लग रहा है कि मुत्तहिद होकर हम यहाँ पर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आ रहे हैं। डायरेक्टली हर पार्टी के नगर सेवक है, क्योंकि इन्होंने उस्मानाबाद और औरंगाबाद का जो नाम बदला उसके बाद में इनको खुद को पता चल गया है कि ए टीम बी टीम दूसरी कोई नहीं है, ये खुद इनके पार्टी के लीडरान जो है वो उनके पार्टी का सौदा करते हैं। इसलिए तमाम पार्टी के लोग बड़ी तादाद में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहे हैं। पहले होने तो दो, अभी देखो 11 अक्टूबर को कुछ रिजल्ट आया था, 11 अक्टूबर को काउंसिल कंप्लीट हो रही है, जमहूरियत के अंदर एक काउंसिल ख़त्म होने के पहले दूसरी काउंसिल का इलेक्शन हो जाना चाहिए। अरे अभी तो आपने 11 अक्टूबर 4 दिन में तो ख़त्म हो जा रही है, यहाँ की काउंसिल एक्सपायर हो जा रही, चुन के आके 5 साल मुकम्मल हो जा रहे, औरंगाबाद में तो 2.5 साल से ऊपर हो गए वो इलेक्शन नहीं ले रहे। ये तमाम पार्टियाँ पहले की महाविकास आघाड़ी भी अपनी सीट ज़्यादा चुन के आने का माहौल बनेगा तब लेंगे बोलकर पेंडिंग रखी, अब जो आए वाली है ये खोखे बोखे की सरकार, ये 50 खोखे एकदम ओके और खाके धोके पब्लिक रोके जो बोल रही, तो यहाँ पर भी आप देखो आप ये भी चुनाव नहीं ले रहे, इनको भी बॉम्बे औरंगाबाद जैसी कई ऐसी जगह पे लग रहा है कि अपनी सीट दादे चुन के आने का माहौल बने। फिर इनके सिंबल का लफड़ा है अभी कि वो सिंबल किसका, क्योंकि अब हिंदू की भी कैटेगरी बन गए, एक हिंदू BJP का है, एक हिंदू उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है, एक शिंदे सेना का हिंदू है, एक मनसे का चौथा हिंदू है, तो उसमें सच्चा हिंदू कौन झूठा हिंदू कौन उसकी लड़ाई चल रही। जब तक इनके ये लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होते, सिंबल का सुप्रीम कोर्ट के जरिए जजमेंट नहीं आता, इलेक्शन कमीशन के जरिए, तब तक मुझे नहीं लगता ये चुनाव लेंगे, लेकिन होने चाहिए। और जब चुनाव डिक्लेयर होंगे इंशाल्लाह आप देखिए अल्लाह के फजल से, तब तक एक बड़ी ताकत के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी हर जगह रहेगी और पूरे दमखम के साथ इंशाल्लाह हम ये चुनाव में उतरेंगे। नहीं नहीं, वो भी हराना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बाड़ा साहब को प्रपोजल देना चाहिए, वो युति के बाहर निकले हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, बड़ी अफसोसनाक बात ये है कि इतनी अच्छी क़यादत, इतनी अच्छी शख्सियत है, लेकिन उन्होंने जो पश्चिम बंगाल में किया, जो बिहार में किया, जो उत्तर प्रदेश में किया, जो गुजरात में करने जा रहे हैं, ये चीज़ें हमारे दिल को नहीं जच रही हैं। वो BJP को हराने का एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं, लग नहीं रहा है उनको BJP को हराना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगर वो करना है तो वो 2, 5, 10 सीटें कम ज़्यादा कर लेना,
एक बार ये इलेक्शन में नहीं आए कि उनकी पार्टी की सीटें, नांदेड़ के स्टेज पे से कहा था ना उन्होंने, मैं एक भी सीट नहीं लेते हुए लोकसभा में बाड़ा साहब के साथ खड़ा रहता हूँ, वादा किया था ना एक भी सीट ना लड़ाने का। तो फिर वो भूमिका जब कौम के हक़ में है, मुल्क के हक़ में, खाली मुसलमानों के पुरता नहीं बोल रहा हूँ मैं, खाली मुसलमानों के हक़ में नहीं, इस वक्त पूरे मुल्क के हक़ में है बीजेपी को रोकना। इसके लिए वो थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना, दो कदम पीछे हटा लेना, क्या फ़र्क पड़ रहा, वो आना चाहिए। उन्होंने भी बीजेपी के ख़िलाफ़ में ये जो ताकतें लड़ना चाहती हैं उनके साथ मुत्तहिद होने में उन्होंने आना चाहिए। मैं दावत देता हूँ उनको कि वो आए भूमिका को क्लियर लेके, उनको तो कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने उठाकर एक फ़ोन बाड़ा साहब को कर देंगे कि मैं आप बड़े भाई मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, तो उनका भाई का रिश्ता है, उन्होंने गोद में उठाए थे, उन्होंने इतना जब किया ना, तो वो उनकी उनकी मर्जी है, उन्होंने गए हैं ना नाराज़ हो के, आना की पहल उनको करनी चाहिए, वो करेंगे तो उनका मामला है, लेकिन लग नहीं रहा है ना अभी की पार्टी की दिशा वो चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर जिनके हाथ में कमान है उनके डायरेक्शन और उनके डिसीजन इस बात से बिल्कुल हमको मुतमईन नहीं करने वाले हैं कि ये वाकईतन बीजेपी के खिलाफ में लड़ने के ख्वाहिशमंद है। हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुजरत मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलौला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। हैवेल्स फ्लोइड शोरूम में फ्रिज AC वॉशिंग मशीन TVD फ्रिज और मिनी अप्लायंसेस दस्तियाब है। खरीदारी करके स्क्रैच कार्ड गिफ्ट डिस्काउंट ऑफर से ज्यादा फायदा उठाए। प्रूफ राइडर अब्दुल रजाक, उनके फजन मोहम्मद इरफान, सहारा इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस, हैवेल्स फ्लोइड शोरूम, बाजेगांव, हैदराबाद हाईवे रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोपराइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।